दोस्तों ये जो वीडियो होगी आप लोग की, जो अभी मैंने रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन किया था 28 जुलाई का, उसका सेकंड पार्ट है। रीजन क्या है, ये वीडियो टर्मिनेट हो गई। इसमें क्या क्या डिस्कस करूंगा, एक तो आप लोग का एडिटोरियल बचा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा यहाँ पर न्यूज जर्नलिस्ट वाला पोर्शन आप लोग का बचा है उसको देखेंगे। पुराने जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसके आंसर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये लेक्चर हमारा यहाँ पर रहने वाला है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये पार्ट टू आप लोग बोल सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन का। एक बार तो मुझे लगा कि एक एडिटोरियल बचा हुआ है और कुछ न्यूज जर्नलिस्ट है उसको देख लूंगा संडे सैटरडे में, फिर मुझे लगा यार फालतू में पेंडिंग नहीं रखते हैं काम को, आज ही इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि उस दिन पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगी और भी क्या क्या चीजें डिस्कस करने के लिए आ जाए। तो फिर मैंने सोचा इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इंजॉय कीजिएगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो कि आज का, खासकर अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, बात करने वाले नॉर्थ ईस्ट के एरिया के बारे में, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा सा एक दो पॉइंट तो उसमें एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में जब वीडियो टर्मिनेट हुई उससे पहले, पर फिर इसको यहां से अभी स्टार्टिंग से मैं आप लोग को बताता हूं कि कंडीशन क्या है ताकि आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो यहां पर इसके बारे में समझने के लिए पहले आप लोगों को मैप समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर चीजें आप लोगों के समझ में आएगी। बात की जा रही है आसाम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है उसको, जो सीमा है उसको लेकर जो लड़ाई है उसके बारे में ये आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो आसाम और मिजोरम को पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कहां पर है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो आसाम देखने को मिल रहा है, इसके नीचे यहां पर मिजोरम है। तो मिजोरम और आसाम जो है वो आपस में बॉर्डर टच करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये यहां पर डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई का रीजन रहता है। अगर मिजोरम के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रिपुरा इसका लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसके आप लोगों को देखने को मिलेगा मणिपुर। तो टोटल मिलाकर मिजोरम को तीन राज्य टच करते हैं, त्रिपुरा बेसिकली, इसी के साथ में मणिपुर और आसाम। और आसाम को तो पता ही आप लोग कितने राज्य टच करते हैं, एक हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया त्रिपुरा, चौथा हो गया मिजोरम, पांचवा हो गया मणिपुर, छठा हो गया नागालैंड और सातवां हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम को टोटल 7 राज्य टच करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है ये आप लोगों को ढंग से निहारना चाहिए, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये न्यूज में किस लिए है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी हुआ क्या यहाँ पर आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पर, कुछ दिनों पहले एक आईईडी इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि एक तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में आसाम और जो मिजोरम है उसके बॉर्डर पर, फिर उसके बाद में जो है और तनातनी यहां पर हो गई बॉर्डर के बीच में, और 5 पुलिसमैन और जो सिविलियन है, एक सिविलियन उनकी डेथ हो गई, यानी कि एक तरीके से कई सारे लोगों की और जान चली गई यहां पर दोनों के बॉर्डर के एरिया में। तो यहां पर ये ऐसा इशू क्यों बन गया, और खासकर ये मुद्दा जो है बॉर्डर को लेकर ऐसी लड़ाई क्यों होगी, आखिर ऐसा क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं, तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। थोड़ा सा कुछ आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब समझेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक एक कर पॉइंट को समझते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट न रहे। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल वही फंडा है जैसे कई बार क्या होता है कि दो भाई जो होते हैं जब आपस में उनका बंटवारा होता है तो कई बार क्या होता है कि एक ने कुछ ज्यादा सामान ले लिया, दूसरे के पास में कुछ कम रह गया, तो उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। अच्छा, खेतों को लेकर भी कई बार लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में। नॉर्मली आप लोगों ने अपने आसपास वाले एरिया में चीजें देखी होगी कि बाउंड्री को लेकर लड़ाई होगी कि नहीं मेरी यहां तक है, मेरी यहां तक है, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। पर लेकिन हमारे देश में अगर बाउंड्री को लेकर किसी कंट्री के साथ में कोई इशू हो रहा है या फिर इंटरनल कोई इशू हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम में आप लोगों को रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें हुई होंगी तब जाकर यहां पर चीजें हैं। पर आगे चलकर भी कुछ और हरकतें हुई अंग्रेजों के बाद, आजादी के बाद में भी, तो वो भी समझेंगे हम लोग। मिजोरम जो है वो पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 यानी कि 1972 में, उसके बाद में इसको फुल फ्लेज्ड एक स्टेट यानी कि पूरा राज्य बना दिया गया 1987 में। तो जब यहां पर इसको पहले यूनियन टेरिटरी और फिर यहां पर इसको राज्य बनाया गया तो वहीं से ही आसाम और मिजोरम के बीच में रस्साकसी होने लगी। क्योंकि देखिए अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के एरिया को देखेंगे तो ये कई बार आप लोगों को नजर आएगा कि पहाड़ी इलाका है, प्लेन नहीं है, वहां पर उबड़ खाबड़ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, ठीक है, कहीं आप लोगों को हिल देखने को मिलेगी, कहीं जंगल देखने को मिलेंगे। तो उसके बीच में बिल्कुल एक क्लियर कट लाइन खींचना तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए रिवर, हिल, वैली या फॉरेस्ट जो भी एरिया है यहां पर ये नेचुरल ऑब्स्टेकल हो गए, यानी कि एक तरीके से राह का रोड़ा बन गए कि कैसे यहां पर एक बाउंड्री यहां पर खींची जाए। तो एक इमेजिनरी लाइन मान लेगी, चलो ठीक है यार इतना मान लेते हैं कि यहां से तुम्हारा और यहां से इसका, ठीक है, कोई रिवर होगी उसको मान लिया। पर रिवर तो ऐसी है, रिवर का बेसिन चेंज होता रहता है, आज यहां को बह रही है, कल को पता चला इधर को बह गई, परसों चला इधर चली, पता चला इधर को आ गई। तो इस तरीके से कई बार डिस्प्यूट होते रहते हैं अगर नेचुरल बाउंड्री को इस तरीके से आप लोग मानकर चलते हैं। किसी फॉरेस्ट को अगर एरिया को मान लिया कि ये जंगल है बीच में, इसको बाउंड्री मान लेते हैं, पता चला इधर से काट काट कर इसको यहां तक पहुंचा दिया तो बोला कि यहां पर बाउंड्री है क्योंकि फॉरेस्ट बोला था। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसके
चलते कई बार लड़ाइयां देखने को मिलती है। तो क्लियर बाउंड्री न होना ये कई बार बॉर्डर डिस्प्यूट का रीजन बन जाते हैं, इसके ऊपर लड़ाई हो जाती है। तो इसके चलते यहां पर एक प्रॉपर एक डिमार्केशन होनी चाहिए बॉर्डर को लेकर कि हाँ दोनों राज्य के बीच में ये बॉर्डर है, और प्रॉपर उसके बारे में अगर क्लैरिटी रहेगी लेकर तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी आसाम और मिजोरम के अंदर जो लड़ाई यहां पर देखने को मिली वो यहां पर बेसिकली इसीलिए क्योंकि पुराने टाइम पर जो ब्रिटिश एरा में यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर 1875 में पर्टिकुलर एक जो है यहां पर जो पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन लाया गया और दूसरा यहां पर देखने को मिला 1933 में, यानी कि हमारी देश जो आजाद हुआ था वो था 1947 में। तो उससे पहले दो ऐसे यहां पर नोटिफिकेशन है यहां पर जिसके बेस पर चीजों को चेंज किया गया। तो जो नोटिफिकेशन आया 1875 का उसमें कोशिश की गई कि एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करना जो यहां पर ये लुसाई हिल है, ये लुसाई हिल जिसको आप लोग आज की डेट में मिजोरम बोल रहे हैं उस टाइम पर इसको बेसिकली ये आसाम का पार्ट हुआ करता था, यानी कि लुसाई हिल यानी कि मिजोरम जिसको बोलते हैं ये आसाम का पार्ट था, एक डिस्ट्रिक्ट था यहां पर आसाम का, आसाम एक काफी बड़ा राज्य हुआ करता था, तो उसी में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया लुसाई हिल को बेसिकली जो प्लेन है इसको ये कहां से यहां पर कछार, तो कछार वाला एरिया यहां पर इससे अलग कर दिया गया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ये देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये यहां को यहां पर आज के में आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको यहां से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो जो लड़ाई है यहां पर ये जो पर्टिकुलर एरिया आप लोग को देखने को मिल रहा है ये कछार वाला एरिया हो गया, इसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हो गया यहां पर ये वाला ये कौन सा है ये आप लोग देखते हैं यहां पर, ये है यहां पर कोलासिब। तो कछार और कोलासिब को लेकर आप लोगों को यहां पर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर झड़प देखने को मिलेगी। वैसे यहां पर तीन चार डिस्ट्रिक्ट तो आसाम के हैं और इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को मिजोरम के देखने को मिलेंगे जो बाउंड्री को लेकर एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं। तो सेकंड जो नोटिफिकेशन आया ये 1933 में आया, इसने डिमार्केट कर दिया जो बाउंड्री है कि लुसाई हिल की मणिपुर के साथ में, यानी कि पहले तो यहां पर आसाम के साथ में डिवीजन किया फिर मणिपुर के साथ में भी इसको डिवीजन कर दिया कि इतना एरिया मिजोरम के अंदर रहने वाला है, यानी कहने का मतलब यहां पर ये अब मिजोरम की बाउंड्री जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दी कि भाई साहब ये मिजोरम की बाउंड्री रहने वाली है। अब मिजोरम ये बोलता है कि मैं जो बाउंड्री मानूंगा 1875 का जो नोटिफिकेशन आया था ठीक है उसके हिसाब से बाउंड्री मानूंगा, यानी कि जो ये लुसाई हिल यहां से अलग किया गया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके चलते यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1873 में, तो उसके हिसाब से मिजोरम बोलता है कि मुझे इसको मानना है, आसाम बोलता है कि नहीं हम तो यहां पर जो सेकंड नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से मानेंगे, तो जो कि यहां पर 1933 में देखने को मिला था ठीक है, तो उसके चलते जो लुसाई हिल को डिमार्केट किया गया मणिपुर से अलग कर ये बोलते हैं कि हम लोग उसको मानेंगे। यानी कि आज की डेट में अगर बात करें मिजोरम बोल रहा है कि 1875 के हिसाब से चलेंगे और ये यहां पर आसाम बोल रहे हैं कि 1833 के हिसाब से चलेंगे, तो इसके चलते दोनों के बीच में यहां पर लड़ाई देखने को मिलती है। तो एक टाइम पर ये जो मिजोरम है ये आसाम का पार्ट था पर फिर आगे चल के अलग किया गया, पर लेकिन बाउंड्री को सेटल नहीं किया गया ढंग से, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इंटर स्टेट अगर कहीं पर भी आप लोगों को लड़ाई देखने को मिलेगी, कुछ लिखने के लिए अगर आप लोगों को आता है कि दो राज्य के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या है, इनके दो राज्य के बीच में लड़ाई क्यों है। पहला तो रहेगा डिस्प्यूट ओवर बाउंड्री, यानी कि जो भी बाउंड्री है वो बोलता है बाउंड्री यहां होगी, ये बोलता है यहां होगी। तो आज की डेट में भी अगर आप लोग देखेगा तो कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में जो बेलगांव वाला रीजन है उसको लेकर लड़ाई रहती है ठीक है, इसी के साथ में और भी कई सारे रीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आसाम नागालैंड आसाम मेघालय कई सारे राज्य के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। तो बाउंड्री बहुत बड़ा रीजन बनी हुई है जिसके बेस पर लड़ाई रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर वोटर शेयरिंग को, जब एक राज्य दूसरे राज्य से अलग हो जाता है जैसे तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से 2014 में, तो अब यहां पर क्या हो गया, अब राज्य अलग हो गया तो नदी भी अलग अलग हो गई, तुम इतना पानी यूज करोगे हम इतना करेंगे, तो इस तरीके से पानी को लेकर फिर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा रहता है माइग्रेशन, कई सारे लोग चाहते हैं तेलंगाना में रहेंगे, कई सारे लोग चाहते हैं कि हम तो आंध्र प्रदेश में रहेंगे, तो कई सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो माइग्रेशन के इशू को लेकर भी कई बार यहां पर लड़ाई हो जाती है। तो ये मुद्दे यहां पर लड़ाई के देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने पर्टिकुलर आप लोगों को आसाम और मिजोरम को ध्यान में रखते हुए नहीं बताया, किसी भी राज्य के बीच में अगर लड़ाई लिखने के लिए कुछ आ जाता है तो ये तीन पॉइंट कम से कम आप लोग याद रखना। अगर आसाम और मिजोरम के बीच में बात करें तो यहां पर 164.6 किलोमीटर का ये स्टेट का एरिया है जो कि यहां पर दिक्कत में है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कछार, इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हेलाकांडी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है करीमगंज। तो ये जो एरिया है ये किसका है, ये एरिया आसाम के डिस्ट्रिक्ट है। अब किसके साथ में लड़ाई हो रही है यहां पर, ये हो रही है बेसिकली ये है यहां पर कोलासिब, इसी के साथ में ममित। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आइजोल, ये मिजोरम के हैं। इनके मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो यहां पर ये आप लोग देखते हैं ये हो गया आइजोल को, ये कोलासिब, इसी के साथ में हो गया ममित, और ये ऊपर वाले हो गए आसाम के। तो ये जो बाउंड्री वाला एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा इनमें कई बार आप लोग यहां पर दोनों के बीच में लड़ाई होती नजर आती है। लगभग 164 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जिसको लेकर दोनों लड़ते रहते हैं।
तो इसके बारे में कई बार देखने को मिलेगा, लोगों की झड़प हो जाती है, एक दूसरे के साथ में मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके चलते बोला यह जा रहा है कि इसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या क्या बातें आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करना चाहिए, आप लोगों को मैप उसको कर देना चाहिए ढंग से सैटेलाइट मैपिंग की हेल्प से, क्योंकि आज के दिन तो टेक्नोलॉजी आ गई यार। अगर नदी नालों जंगल को आप लोग जो एनेट की इंची टेप लेकर अगर नहीं नाप सकते तो आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए, आज के दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके बेस पर आप लोग चीजों को एलोकेट कर सकते हैं, चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। पहला तो ये आप लोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि रिवाइव कीजिए इंटर स्टेट काउंसिल, ये संविधान के अंदर आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। आर्टिकल 263 यहां पर ये बात करता है कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि दो राज्य के बीच में काउंसिल रहेगी, तो क्या करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे और एडवाइस करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में, डिस्कस करेंगे कोई भी यहां पर अगर कोई भी कॉमन जो भी स्टेट के बीच में जो भी सब्जेक्ट है, और रिकमेंडेशन देगी कि कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, यानी कि एक दूसरे का सर नहीं फोड़ना है, मिलकर काम करना है, तो उसको भी ये सजेस्ट करेंगे। तो इंडिया जो है यहां पर ये एक प्रतीक भी है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में, जो हम लोग बात करते हैं ऑलरेडी, हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट और सेंटर को मिलकर यहां पर काम करना चाहिए ताकि जो भी यहां पर जो इस तरीके कोई एक तरीके की गलत चीजें हो रही हैं उनको रोका जाए और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिले, यानी कि संघवाद का ढांचा निकल कर आए, जहां पर ये देखने को मिले कि दोनों राज्य जो हैं वो मिलजुल कर काम करें, दोनों राज्य जो है शांतिपूर्ण स्वभाव में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो कई सारे लोगों की जान गई उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, थोड़ा सा बैठकर बातें करनी पड़ेगी तभी यहां पर आप लोग चीजों को निपटा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। पहले वाले जो डिस्कस किया था मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जरूरी है कि आप लोग इसके बारे में ढंग से आंसर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन में आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर हम लोग बात करेंगे, अभी हमारी कंट्री में अभी हम लोगों ने देखा कि 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई थी, अभी यहां पर एक और ऐड हो गई है, ठीक है, जो ये बन गई है, कौन सी है, धोलावीरा, ठीक है। तो गुजरात के अंदर हिस्ट्री में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अब यहां पर हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है, ये अभी रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया है। नॉर्मली अगर आप लोग वेबसाइट पर यहां पर जाकर देखें, जिसके बारे में आप लोगों से बात भी की थी, ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखते हैं, तो यहां पर टोटल मिलाकर अभी 39 दिखा रहा है, जिसमें 31 आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, यह कल्चर की कैटेगरी में, ठीक है, ये नेचुरल देखने को मिलेगी 7 और मिक्स देखने को मिलेगी यहां पर 1, तो टोटल 39 दिखा रहा है। तो इसको अपडेट कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है लेटेस्ट जो अपडेट किया गया है इसमें, ये अभी अपडेट कब किया गया, ये किया गया यहां पर काकतिया रुद्रेश्वर जो रामाप्पा टेंपल है तेलंगाना के अंदर, तो इसको यहां पर अभी अपडेट किया गया इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो ये टेंपल भी आप लोग यहां पर देखते हैं, तो आगे अभी जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी भी साइट यहां पर ऐड की जाएगी, तो यहां पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अब दो साइट और हो गई है, तो कोशिश करूंगा कि अपडेट कर एक वीडियो और आप लोगों के सामने आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। तो टोटल मिलाकर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है हमारी कंट्री में, और ये जो मीटिंग चल रही है चाइना के अंदर चल रही है, जिसके तहत यहां पर चीजों को रिकॉग्नाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो काफी पुराना सेटलमेंट माना जाता है एशिया के अंदर। यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे धोलावीरा, आप लोगों ने सुना ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में मिलाकर जब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें काफी इंपोर्टेंट ये जगह रखता है, कई बार इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यह है एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में। आगे चलते हैं, बात की जा रही है अभी यहां पर कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बन गए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो अभी यहां पर उसके चलते हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप लोगों को ये पता रखना है कि आर्टिकल 164 जो है वो यहां पर काम करता है, जब कोई चीफ मिनिस्टर जो है छोड़कर जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर आता है, तो अपॉइंटमेंट जो की जाती है यहां पर गवर्नर के द्वारा, तो आर्टिकल 164 जो है संविधान में वो यहां पर आप लोगों को काम करता हुआ नजर आएगा। तो इनका नाम आप लोग याद रखने के लिए बीबी की वाइन याद रख लेना, यानी कि विश्वराज बोम्मई, ठीक है। तो ये इनका नाम है फिलहाल जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, ये आप लोगों को एग्जैक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। तो नए चीफ मिनिस्टर आ गए कर्नाटक की, हिस्ट्री बेसिकली ऐसी देखने को मिलेगी, नॉर्मली जल्दी से इंसान जो है यहां पर ये चीफ मिनिस्टर जो है लंबे समय तक टिकता नहीं है। चलिए जो भी है, अब यहां पर देखते हैं आगे कैसे शांति रहती है। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आप लोगों के लिए कि बच्चों के लिए भी अब यहां पर वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां पर दवाई प्रोवाइड करा जा सके, यानी कि 18 से लेके 45 और 45 से लेके ऊपर के लोगों को हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं, अब इससे नीचे के लिए भी आप लोग दवाई प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मेरा भी नंबर आने वाला है आज या कल, मैं देखता हूं, मैं जाकर अपना भी डोज लेकर आता हूं, क्योंकि जरूरी लग रहा है कि ले लेना चाहिए। कई सारे बच्चे भी रेगुलर मेल कर रहे हैं कि सर डोज ले लो, हमको बोलते रहते हो। तो चलिए देखता हूं आज या कल मैं इसको कंप्लीट करके आता हूं, ठीक है। जो भी है, बस वही था, मुझे थोड़ा ही लगा था, मैंने कहा कभी तबियत में कुछ ना हो जाए, पर हाँ चलिए जो भी है देखेंगे उसको, जैसे भी होगा मैनेज करेंगे।
जो भी होगा, ठीक है। तो ये अभी बच्चों के लिए स्टार्ट होगा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लैक्टेटिंग मदर के लिए जो बच्चों को दूध पिलाने वाले जो यहां पर बेसिकली माताएं हैं या फिर जो भी जो बेसिकली महिलाएं हैं, उनके लिए छोटा सा बेसिकली नॉर्मली तो दवाई की डोज ले सकते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही है कि अगर महीने अभी एक या दो महीने का बच्चा हुआ है, ठीक है, तो कम से कम थोड़ा रुक जाना चाहिए। तीन महीने का अगर बच्चा हो जाए तो दो यहां पर डोज लेना। रीजन उसका क्या हो रहा है, कई सारी ऐसी वीडियो मैंने देखी जो डॉक्टर एक्सपर्ट यहां पर इसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि आज की डेट में क्या होता है कि जिससे बच्चा दूध पीता है ना तो दूध थोड़ा कम आने लगता है, दूध सूख गया, तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो यानी कि हो सकता है कि हल्का फुल्का इंपैक्ट रहे, पर जो भी है जहां इतने दिन अगर रुक गए, मान लीजिए दो महीने का बच्चा हो चुका है, ठीक है, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, कोई नहीं, एक महीना और रुक जाए तो तीन महीने का होकर थोड़ा सा और थोड़ा सा बच्चा भी थोड़ा हेल्थी आ जाएगा, स्टार्टिंग की एज रहते हैं ना, तो इतना रुक सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, कभी आउटसाइड में ना जाइए ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इंप्लीमेंट कीजिए इनको। आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है ममता दीदी के बारे में। तो रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिली, तो वैक्सीन जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा डोज मिलने चाहिए, और भी यहां पर कई सारी चीजें अभी आप लोगों को बताइए कि क्या क्या चलता रहता है। तो पॉलिटिक्स एक तरीके से देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन बनता है। राकेश अस्थाना साहब जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इनको अपॉइंट कर दिया गया है। सीबीआई के साथ में कनेक्ट रहे, आप लोगों को पता काफी ज्यादा रस्साकसी देखने को मिली थी, कई सारे आरोप लगाए गए थे। अभी फिलहाल यहां पर ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां पर बन गए। तो 1984 बैच के यहां पर ये अस्थाना साहब हैं, अब यहां पर ये दिल्ली की कमान यहां पर थामने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में बातें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं क्योंकि न्यूज में रहेंगे कई बार। अब आगे बात करें, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर कुछ लिखने के लिए आता है कि कोविड-19 का इंपैक्ट कहां देखने को मिला, तो अलग अलग सेक्टर में आप लोगों ने देखा, इकोनॉमी में ये हो गया, महिलाओं के ऊपर ये हो गया, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ रहा है। अब यहां पर टूरिज्म सेक्टर जो हमारा है उसके ऊपर अलग से आप लोग बात कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि 21.5 मिलियन जो जॉब है वो भी जा चुकी है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे टूरिस्ट इधर उधर घूमने जाया करते थे, कई सारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो टूरिज्म के ऊपर ही चलती थी, तो लेकिन अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें कम हो गई है। अगर कोई कंट्री करोड़ों रुपए कमा रही है तो अब उनको लग रहा है कि उनका काम भी नहीं चलेगा यहां पर, जो टूरिज्म की एक हस्ती खेलती फूलती इंडस्ट्री थी। तो 21.5 जो मिलियन जॉब है यहां पर वो जा चुकी है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं उनका व्यापार यहां पर ठप पड़ा हुआ है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहां पर जो मिनिस्टर यहां पर किशन रेड्डी साहब उनके द्वारा राज्यसभा में एक क्वेश्चन को आंसर देते हुए बताया गया जॉब लॉस की कैटेगरी में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी बारिश तो झमाझम हो ही रही है, सुबह से आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी शानदार तरीके की बारिश देखने को मिल रही है। तो बारिश का फायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए, पर लेकिन अपना ध्यान भी रखिए। दिल्ली के अंदर बात करें, अरविंद केजरीवाल साहब ने कुछ दिनों पहले बोला था कि भारत रत्न मिलना चाहिए जो डॉक्टर्स हैं, कंबाइन कर भारत रत्न दे दो, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कंबाइन अवार्ड किसी को दिया जाए, इंडिविजुअल को मिलता है। अब ये बोल रहे हैं कि कम से कम पद्म अवार्ड तो यहां पर डॉक्टर को दिया जा सकता है, उसके लिए उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखते हैं अभी अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है तो क्या बातें देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर बात करें हमारी कंट्री में सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, तो ये 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर गेम के बारे में बात करूं तो गेम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, और फिल्म के बारे में बात करूं तो फिल्म की इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, और रिसेंटली अभी फिल्म वाला किसको रिसेंटली अभी ये मिला है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखेगा। आगे अगर बात करें यहां पर भूटान जो है उसको बोला जा रहा है कि वो कंप्लीटली वैक्सीनेट हो चुके हैं, और खासकर डोनेशन के तौर पर यहां पर सारा काम चल रहा है, यानी कि भूटान को लोगों ने दवाइयां दी, यूएसए के द्वारा भी दवाइयां दी गई काफी सारी लार्ज स्केल पर, तो भूटान में काफी लार्ज स्केल पर चीजें डोनेट की गई, 5 लाख के करीब मॉडर्ना डोनेट की गई थी यूएसए से, और इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कोवैक्सीन हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, तो कई सारी चीजें देखने को मिली। तो भूटान जो है यहां पर वैक्सीनेट कर चुका है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये अच्छी चीज है। तो अब भी जब भी आप लोगों को जब नंबर आए तो आप लोग जाकर दवाई जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। टूनिशिया के बारे में बात करें तो यहां पर बिगेस्ट जो भी मैंने जो पहले जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस किया था पहले वाली जो वीडियो में, उसमें टूनिशिया के बारे में मैंने बात की थी, तो वहां पर सारे लीडर जो है अभी साथ में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार चलो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं क्योंकि काफी लंबी चीजें खींच गई है, ठीक है। आप लोगों को मैंने मैप भी दिखाया था, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं ये टूनिशिया है एग्जैक्ट मेडिटेरेनियन एरिया वाले एरिया में, तो आप लोग अपनी कंट्री के साथ में अगर कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो यहां से अगर टूनिशिया जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा टूनिशिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर काफी ज्यादा रस्सी कसा हो गई है, एक अनस्टेबिलिटी हो गई है, तो कोशिश ये की जा रही है कि स्टेबिलिटी बनाकर रखी जाए ताकि सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर इसके बारे में की जा रही है। बाकी कई सारे मुद्दे हैं, कुछ तो बेसिकली जो यहां पर भी गेम चल रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जो भी हमारी कंट्री को अवार्ड मिलेगा उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, कि यूएसए ये बोल रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान में ये बोल रहा है, तो सारी चीजें देखिए न्यूज में जो डे बाय डे की कमेंट्री आती है ना, ये इसमें एक एडिटोरियल जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एक बार को आप लोग एडिटोरियल जो है उसको आप लोग बिल्कुल कभी मत छोड़िए, अगर आप लोगों को लगता है टाइम नहीं है तो न्यूज एनालिसिस को आप लोग एक बार को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, पर लेकिन इससे फायदा ये होता है कनेक्शन बना रहता है आप लोगों का। जैसे आज ये टॉपिक डिस्कस किया,
कल को कुछ लिखने के लिए आएगा, कल को कुछ और आर्टिकल आएगा तो आप लोग उसको समझ पाएंगे, एक बेस आप लोगों के पास में रहेगा। तो इसलिए एक पेशेंस के साथ में अगर लेक्चर को देखेंगे तो अच्छी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली विलिंगडन आइलैंड के बारे में, तो कहां पर देखने को मिलता है, तो आंसर है इसका डी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों के सामने यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये कहां पर है बेसिकली अगर इसको बोला जाए तो ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, एक सेकेंड, केरला के अंदर। और केरला कहां पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, देखने को मिल रहा है अरेबियन सी के अंदर में। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा कि केरला के अंदर देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ब्यू बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, तो बोला कैसे जा रहा है और आंसर क्या है, आंसर है केरला, तो यानी कि अरेबियन सी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए आप लोगों से थोड़ा सा एक लेवल हाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कंफ्यूजन में डालने के लिए। तो इस तरीके से अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई पर्टिकुलर एरिया न्यूज में, तो इस तरीके कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप लोग जरूर रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे कई सारे यहाँ पर, आशीष के द्वारा भी अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए गए। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो बिजनेस, जो बेसिकली बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 19 का जी यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। डीपीएस की डीपीएस में जो होते हैं 36 से लेकर 51 तक आती है। एजुकेशन पॉलिसी मैंने बताई है, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में आई। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में कौन क्रेडिट लिस्ट में डाल देता है एजुकेशन को, जो ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये 1976 में था, ना कि 1977 में, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यहाँ पर, ये अगर बात करें तो अभी मैंने आप लोगों से पूछी थी पर, लेकिन अभी ये गलत हो गया क्योंकि अभी यहाँ पर 40 हो गए टोटल मिलाकर। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब जो है 14th प्रेसिडेंट, और यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी जो थे वो 11th प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। बाकी ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे, तो यहाँ पर मुद्रिया के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए थे। क्वाड के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो क्वाड में अभी फिलहाल का जो क्वाड था वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान है। जो नया क्वाड बना है उसमें यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान है। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा। राइट टू रिलीजन के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट हो जाता है यहाँ पर पार्ट 3 में, जब आप लोग जाते हैं संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का जो है फंडामेंटल राइट रहते हैं। राइट टू लाइफ के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर आर्टिकल 21, आर्टिकल 1922, जो 19 से लेकर 22 तक का राइट टू फ्रीडम रहती है, ये पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में, तो बजरंग पूनिया जो रहने वाले हैं वो ध्वज रोहक यहां पर रहेंगे। अभी जो ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे उसके बारे में 2-3 बार बताया, उनके बारे में चलिए आप लोग बताइए। गंगा के फ्लो के बारे में बात की थी, नॉर्मली अगर देख रहे हैं तो इन्होंने बेसिन के बारे में बता दी कहां कहां पर जाता है, तो ये आप लोग देख ही सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में एक न्यूज आई थी, तो यहाँ पर कहां पर है, देहरादून के अंदर है, ये याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और राजस्थान का स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। ये क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये कई दिनों के क्वेश्चन आप लोगों के रुके हुए थे। ठीक है, तो ये कल वाले हैं, जैसे विलिंगडन आइलैंड के बारे में बोला। ठीक है, रशिया जो है उसको यूरेशियन कंट्री नॉर्मली आप लोग बोलते हैं। एलपीजी के बारे में आप लोगों से देखें यहाँ पर जो रिफॉर्म आए थे, तो पीवी जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे हमारी कंट्री में। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 कंट्री है, क्योंकि इंडिया जो है उससे बाहर निकल गया, पहले 16 कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, तो 2012 में जब 37th आसियान की मीटिंग हो रही थी, तो उस टाइम पर इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कुछ मोटी मोटी बातें। तो ये कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, अच्छा लगा इस तरीके से अगर पार्टिसिपेट आप लोग करते हैं तो। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो पहली वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को कई सारी चीजें डिस्कस की हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारा मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, तो सोचा कि आज ही खत्म कर देते हैं, फिर लंबा, फिर वो चीजें सही नहीं लगती है, फिर कई सारी चीजें और भी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा लेक्चर, क्या रेट करेंगे आप लोग जरूर बताइएगा इसको लेक्चर को। ठीक है, अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से पीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछा था उनके आंसर जरूर देना। तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।